आप इस इमेज में जो डमी देख रहे हो ये वोल्डेमॉर्ट की फर्स्ट डिजाइन बनाई गई थी, पर इसे यूज नहीं किया गया क्योंकि बहुत लोगों को ये काफी भयानक लगा था। और ये एक ऐसा हिडन बीच है जो वर्ल्ड वॉर 1 में बॉम्ब गिरने की वजह से बनी थी। और कभी आपने सोचा है कि कोई मिल गया मूवी में जादू का रोल निभाने वाला कौन था? और आप लोगों ने क्रिकेट को खेला और देखा तो जरूर होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक ओवर में 6 बॉल ही क्यों होते हैं? तो ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। नंबर 20, आप स्पेस एक्स को तो जानते ही होंगे जिसको रन करते हैं इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क अपनी क्रेजी और इनोवेटिव आइडिया के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और उन्हीं में से एक क्रेजी आइडिया उनके स्पेस एक्स सर्किट में लिखा मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस के टैग हैं। मुझे लगता है कि कुछ सालों में मे बी इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज से यूनिवर्सल लैंग्वेज बनने वाला है जिसकी कोचिंग एलियंस हमारे अर्थ पर लेने आएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम जो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि एक तरह से ये हमारे पूरे अर्थ को यूनाइटेड करता है। नंबर 19, हम जब भी किसी मोटे इंसान को देखते हैं तो जानने के लिए एक्साइटेड तो जरूर होते हैं कि उनके बोन्स दिखते कैसे होंगे, क्या वो नॉर्मल इंसान के बोन्स की तरह होगी या फिर उसमें कुछ डिफरेंट होगा। तो आप जरा ये 317 केजी वाले इंसान की एक्सरे इमेज को देखो जिसमें हमें ये पता चलता है कि मोटापे का बोन्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और हम किसी के बोन्स को देख कर ये नहीं बता सकते हैं कि वो किसी मोटे इंसान की बोन है या फिर पतले की। नंबर 18, आपने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को हक किया होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि डॉग भी हक कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मीट हर्ली नाम का एक डॉग है जो जब भी वॉक पर निकलता है तो रोड पे हर एक डॉग को हग करता है। इसे ये पता चलता है कि वो अपने स्पीशीज में लव स्प्रेड कर रहा है। नंबर 17, सिग्नेचर तो हम सभी करते हैं और सबके सिग्नेचर यूनिक भी होते हैं जिसे हमें पता चल जाता है कि ये सिग्नेचर किस इंसान की है। पर ये सुनकर आप बिलीव नहीं करोगे कि जापान के लोग सिग्नेचर नहीं करते बल्कि वहाँ एक यूनिक स्टैंप यूज किया जाता है और उस स्टैंप का नाम है हैंको। और ये स्टैंप जापान के हर एक इंसान के पास यूनिक तरह की होती है जो उनकी यूनिकनेस को शो करती है, बिल्कुल हमारे सिग्नेचर की तरह। नंबर 16, आप इस इमेज को देखो, इसमें एक साइड सिगरेट का पैकेट और एक साइड बहुत सारा खाना है। पर आप कहोगे कि सिगरेट के पैकेट और इतने सारे फूड में क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में जितना एक सिगरेट पैकेट का कॉस्ट है उतने में आप ये सारे फूड्स पैकेट खरीद सकते हैं। मतलब ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग इसे बिना अपनी हेल्थ की फिक्र के पीते हैं। नंबर 15, आप मार्वल के कैरेक्टर थॉर को तो जानते ही होंगे जिसे गॉड ऑफ थंडर कहते हैं, और थॉर का हैमर उसके अलावा कोई नहीं उठा सकता। तो इसी वेपन से इंस्पायर होकर एक शख्स ने रियल लाइफ के थॉर हैमर बनाया है जो बस एक ही शख्स उठा सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करके बनाया गया है। नंबर 14, एक बार एक चाइनीज वुमेन को बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था क्योंकि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट विस्की बोतल कॉग्नैक जिसकी प्राइस $190 थी अपने कैरी बैग में रखा था। और जब अथॉरिटीज वालों ने उनसे बोतल देने को कहा तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस लेडीज की एज 40 इयर्स होने के बावजूद उन्होंने वहीं बैठकर एक सांस में पूरे बोतल को खत्म कर दिया, लेकिन फिर उन्हें एयरप्लेन में एंट्री नहीं मिली। मतलब भाई, आप देख सकते हो कि उम्र कितनी भी हो लेकिन दारू वेस्ट नहीं होनी चाहिए। नंबर 13, आपने पानी की बारिश तो देखी होगी, पर क्या आपने मीट और खून की बारिश देखी है? तो साल 1876 में यूएस के एक स्टेट केंटकी में काफी मिस्टीरियस इवेंट हुआ था। उस दिन एक घंटे तक लगातार खून और मीट के टुकड़े जिसकी साइज 2 और 4 इंच की थी वो आसमान से गिर रहे थे। और रिसर्च में यह पाया गया कि वल्चर का झुंड किसी बीफ हॉर्स या ह्यूमन का मीट लेकर जा रहे थे और हाइट के कारण वो सारे गिर गए। नंबर 12, क्या आपको पता है कि राजस्थान के हैवर विलेज में पाए जाने वाला हैवर स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसको अगर दूध में डालोगे तो वो कुछ ही घंटों में दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। इसी वजह से लोग इस स्टोन को चमत्कारी भी बोलते हैं। बट रिसर्च में ये पाया गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस स्टोन में एमिनो एसिड, फेनाइलएलनिन और टेरोसाइन मौजूद है। तो जैसे ही इस स्टोन को दूध में डाला जाता है तो ये तीनों केमिकल की वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 11, आए दिन रिसर्च होते रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के RMIT यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल स्किन डेवलप किया है जिसे बिल्कुल वैसा ही पेन होगा जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन स्किन को महसूस होती है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आगे और भी स्मार्ट रोबोट बनाए जा सकेंगे जो कि बिल्कुल ह्यूमन जैसे रिएक्ट करेंगे। नंबर 10, अगर आप इंडियन क्रिकेट और उसके कैप्टन विराट कोहली के फैन है तो ये ऑसम फैक्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है कि इंडिया में विराट कोहली इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिनके पास अपना
प्राइवेट जेट है। और जैसा कि आप जानते हो कि आईपीएल स्टार्ट हो गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट टीम के बारे में बताना मत भूलना। नंबर 9, एक बार शिकागो में दो लोग गन लेकर एक रेस्टोरेंट को लूटने के लिए पहुंचे, पर रेस्टोरेंट के मालिक ने उनसे बोला, भैया अभी मैं बहुत बिजी हूं, आप एक घंटे में आओ। और आप यकीन नहीं करोगे कि उसकी वो बात सुनकर वो मान भी गए। पर जब वो एक घंटे के बाद उस रेस्टोरेंट को लूटने के लिए आए, तो वहाँ पुलिस ने उनका स्वैग से स्वागत किया। वाह भाई, जहाँ ऐसे चोर हो वहाँ गधों की क्या जरूरत। नंबर 8, आपने कई बार बिल्ली को अपना बॉडी स्क्वीज करके किसी गेट या विंडो से पास होते तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी इंसान को ऐसे करते देखा है? तो साल 2012 में एक प्रिजनर जिसका नाम चोई गैबोक था, उसने अपनी बॉडी स्क्वीज करके एक फूड स्लॉट जिसकी मेजरमेंट सिर्फ 5.9 इंच टॉल और 17.7 इंच वाइड थी, उसमें से वो जेल से भाग गया। और उसने ये इसलिए कर पाया क्योंकि वो एक योगा मास्टर था। नंबर 7, अब जो फैक्ट मैं बताने वाला हूँ उसे स्टूडेंट को काफी हेल्प होगी, इसलिए ध्यान से सुनना। हमारे स्कूल या कॉलेजेस के टीचर्स काफी लंबा चौड़ा नोट्स दे देते हैं, तो अगर उसे आसानी से याद करना हो तो उस नोट्स को अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में लिखना। स्टडी में यह पाया गया है कि फॉन्ट्स की यूनिकनेस से हमें कोई भी नोट्स बड़ी आसानी से याद हो जाती है। नंबर 6, कई बार किसी वेबसाइट खोलते समय पॉपअप एड्स आ जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि इसे क्यों और किसने बनाया? तो मैं आपको बता दूं कि पॉपअप एड्स को इथान ज़ुकरमैन ने बनाया था, जो सबसे पहले साल 1997 में tripod.com नाम की वेबसाइट पे शो हुआ था, जिसमें एक मैसेज था, आई एम सॉरी। उन्होंने इस एड्स को इसलिए बनाया था क्योंकि उनका ये मानना था कि आगे फ्यूचर में वेबसाइट की प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एडवर्टाइजमेंट ही होगी। और मैं आपको बता दूं कि पॉपअप एड्स इंटरनेट की वन ऑफ द मोस्ट हेटेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है। नंबर 5, आपने कई मूवी में ये देखा होगा कि कई अंधे या गूंगे लोगों की विजन और आवाज आ जाती है, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हुआ है। साल 1980 में एक शख्स जिनकी एज 62 ईयर्स की थी, उन्हें ना तो दिखाई देता था और ना ही सुनाई देता था। एक रात जब वो सो रहे थे तो उनके बगल में बिजली गिरी, और जब वो सुबह उठे तो उन्हें दिखाई और सुनाई दोनों देने लगा। गाइस, सच में ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 4, इजिप्ट में न जाने कितने ही अमेजिंग मिस्टीरियस चीजें छिपी हैं, ये तो कोई नहीं जानता, मगर एक मिस्ट्री है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियोपेट्रा, जो इजिप्ट में एक समय की रानी थी, वो एक स्पेशल लिपस्टिक लगाया करती थी जो चींटियों के कुचले हुए के मिक्सचर और बीटल्स के हेल्प से बनाया जाता था। नंबर 3, क्या आप इंद्रवदन पुरोहित को जानते हो? मैं भी शायद ही उन्हें कोई जानता होगा, मगर क्या आप कोई मिल गया वाले जादू को जानते हो? अगर हाँ, तो फिर आपने मेरे पहले क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, क्योंकि कोई मिल गया में जो जादू का रोल करने वाले थे वो और कोई नहीं बल्कि यही इंद्रवदन पुरोहित थे, जिन्होंने जादू बनकर हमारे बचपन के दिनों के यादों को मेमोरेबल बना दिया। नंबर 2, आप जरा इस फ्यूचरिस्टिक प्लेन को देखिए जिसका नाम है फ्लाइंग वी, और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि पैसेंजर्स इसकी विंग्स में बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें पैसेंजर कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि रिसर्चर्स ने इसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट भी लिया है, और जल्द ही यह टेस्टिंग प्रोजेक्ट से एक रियल प्लेन में बदल जाएगा। नंबर 1, साल 1889 से पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में होने वाले मैचेस में एक ओवर में सिर्फ 4 बॉल्स ही हुआ करते थे, लेकिन ये मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिहाज से गलत थी, क्योंकि ओवर्स इतने जल्दी खत्म हो जाते थे कि बैट्समैन को ना ही बॉलर्स की स्ट्रेटेजी समझ आती थी और ना ही बॉलर्स को प्रॉपर तरह से बॉल के ऊपर रिदम मिल पाती थी। फिर आगे जाकर 5 बॉल पर ओवर भी किया गया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वैसी ही थी। और इसी चीज को सॉल्व करते हुए साल 1922 में एक ओवर में 8 बॉल कर दी गई, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि बॉलर्स बॉलिंग करते थक जाते थे और बैट्समैन आसानी से बॉलर के रिदम को समझ जाया करते थे, और इसकी वजह से बहुत सारे मैच एक तरफा हो जाते थे। मैच में बॉलिंग और बैटिंग साइड बैलेंस करने के लिए साल 1978 में 6 बॉल्स के ओवर को डिसाइड किया गया, क्योंकि 6 बॉल्स का ओवर ह्यूमन कैपेसिटी के हिसाब से काफी ज्यादा बैलेंस रहा, जहां बॉलर्स और बैट्समैन को प्रॉपर और एक लिमिटेड टाइम एक दूसरे को समझने के लिए मिलता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना, और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।